हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी। साथियों, आज जो है हम कलकत्ता ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ग्रुप से संबंधित है, क्योंकि ग्रुप से संबंधित जो आर्ट में आर्ट के कलाकारों द्वारा कुछ ग्रुप ऐसे बनाए गए हैं जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो कलकत्ता ग्रुप है इसकी स्थापना कब की गई थी और ये कौन सा ग्रुप है। ठीक है, जो चलिए हम देखते हैं कलकत्ता ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं हम। आप सभी को ध्यान से देखना है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। तो देखते हैं हम कलकत्ता ग्रुप। तो कलकत्ता जो ग्रुप है ये 1943 ईस्वी को इसकी क्या की गई थी, 1943 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। आगे है, देखते हैं कि भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप था। ये जो ग्रुप था कलकत्ता ग्रुप जो है, ये भारत में यथार्थ में जो आधुनिक कलाकार हैं उनके द्वारा बनाया गया ये सर्वप्रथम ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? कलकत्ता ग्रुप। कौन सा था पूछा जाता है कि आधुनिक कलाकारों द्वारा बनाया गया भारत में सर्वप्रथम ग्रुप कौन सा था? तो वह था कलकत्ता ग्रुप। आगे देखते हैं, जैसे जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड, देखते हैं कि कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना किसने और कब की थी। तो जो कलकत्ता ग्रुप है यह मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता कौन है, यह एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी और कब की थी, 1943 एडी में इसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जब ये कलकत्ता ग्रुप है तो इसकी स्थापना भी कहाँ पर होगी, कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की गई है। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, पूछा जाता है कि जो बंगाल दुर्भिक्ष, बंगाल में जो अकाल आया था उस समय कौन सा ग्रुप स्थापित किया गया था या उस समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ, तो वह था कलकत्ता ग्रुप क्या था, यह सर्वप्रथम ग्रुप था जो भारत में आधुनिक कलाकारों द्वारा बनाया गया था। अब आगे देखते हैं कि कलकत्ता ग्रुप में कितने कलाकार थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी कि जो कलकत्ता ग्रुप था उसमें कितने कलाकार थे, तो उसमें 8 कलाकार थे। कितने कलाकार थे? 8 कलाकार थे, जिसमें कौन कौन थे, एक तो प्रदोष दास गुप्ता क्या थे, ये मूर्तिकार थे। क्या थे? ये मूर्तिकार थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। आगे है शुभो टैगोर, एक है गोपाल घोष और नीरोद मजूमदार। ये कहीं कहीं लिखा होता है नीरोद मजूमदार, कहीं कहीं लिखा होता है नीरद मजूमदार। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनके जो कलाकारों के नाम हैं कला में जो है काफ़ी कंफ्यूजन है देखने को मिलता है, लेकिन हमें अपना कंफ्यूजन अपने आप से भी दूर करना है। क्योंकि हमें एक क्वेश्चन मैंने 2021 में देखा था कि एक मैंने बुक में पढ़ा था कि ट्रिंस्टा जारा, उसमें कुछ और लिखा हुआ था कि टिंटी रेटो जारा। तो इस तरह से हमें नाम समझ लेना है और समझ के हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखते हैं और कौन कौन थे, तो नीरद मजूमदार या नीरोद मजूमदार। आगे हेमंत मिश्र और पारितोष सेन, रथिन मित्रा और जैनवल आबेदीन, ये कौन थे, तो कलकत्ता ग्रुप के ये सदस्य थे, कलाकार थे जिन्होंने कलकत्ता ग्रुप में काम किया था। आगे देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस ग्रुप की कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कलाकारों द्वारा जो है काफ़ी ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें हम ये कलकत्ता ग्रुप पहले पढ़ रहे हैं। आगे जो ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ग्रुप 1890 है, जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ग्रुप से प्रदर्शनी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि इस ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी और लास्ट प्रदर्शनी आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहां आयोजित की गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है कि किसके प्रदर्शन, कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी
किसके प्रयत्नों से की गई? तो ये की गई मिसेज कैसी के प्रयत्नों से। जो प्रथम प्रदर्शनी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी किसके प्रयत्नों से आयोजित की गई थी, तो यह मिसेज कैसी के प्रयत्नों से आयोजित की गई। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि कहाँ और कब आयोजित की गई, तो यह प्रथम प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की गई। कहाँ की गई? 1944 ईस्वी में मुंबई में आयोजित की गई। मैं आपको बता देती हूँ कि जो कलकत्ता ग्रुप था इसकी तीन प्रदर्शनियाँ हुई थी। कितनी प्रदर्शनियाँ हुई थी? तीन प्रदर्शनियाँ हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी, जबकि इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1900 उससे नेक्स्ट ईयर ही इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो 1944 में मुंबई में लगाई गई थी। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी, कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो दूसरी प्रदर्शनी, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में चीज़ें, इसकी प्रदर्शनी भी और इसकी स्थापना भी सीक्वेंस में दी गई है। आपको इतना भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको अगर इसके डेट याद है कि इस ग्रुप की के स्थापना कब की गई थी, तो 1943 में की गई थी। इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में की गई लगाई गई थी। और इसकी दूसरी प्रदर्शनी पूछा गया है कि दूसरी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी, तो 1945 में। कब? 1945 में। और कहाँ पर की गई थी? तो ये भी मुंबई में ही आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं, जो इसकी लास्ट प्रदर्शनी है, कलकत्ता ग्रुप की अंतिम और लास्ट प्रदर्शनी, जिसे तीसरी प्रदर्शनी कहें या लास्ट प्रदर्शनी कहें, अंतिम प्रदर्शनी कहें, यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह 4 साल बाद, मतलब 5वें वर्ष में, 1950 में। दो प्रदर्शनियां तो इसके सीक्वेंस में 1944-45 में हो गई थी, लेकिन उसके 5वें वर्ष बाद तीसरी प्रदर्शनी हुई थी, जो 1950 में हुई थी, जो कलकत्ता ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी थी। तो यह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ हुई थी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ हुई थी, जो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। तो साथियों, ये था आज का कलकत्ता ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दूसरा ग्रुप बनाया गया है कलकत्ता, जो कलाकारों के द्वारा दूसरे ग्रुप जो बनाए गए हैं, उसकी वीडियो आपको लेकर आऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी तैयारी में विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारी तैयारी, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर अपना जुनून होना चाहिए। उस चीज़ को हमें सफलता प्राप्त करने की पूरी अपने अंदर से ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि सफलता जो है तभी मिलती है जब आदमी लगातार मेहनत करता है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लोग तो भटकाएंगे ही, क्योंकि लोगों को क्या है, आसपास के लोगों को हमारी पढ़ाई से क्या होता है, हमारी पढ़ाई से चिढ़न होती है कि ये आसपास के लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं। जो कोई पढ़ भी रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तब हमें लोग बोलेंगे। अगर हम बुरा काम कर रहे हैं, तब हम बोले हमें लोग बोलेंगे। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करना है और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।